कांग्रेस ने क्या 70 पार नेताओं के लिए रिटायरमेंट प्लान तय कर दिया है? महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने आज 70 साल के नेताओं के लिए सक्रिय राजनीति से दूरी के संकेत देकर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब एक मार्गदर्शक मंडल का गठन हुआ और वरिष्ठतम नेताओं को उसमें डालकर पार्लियामेंट्री बोर्ड से दूर रखा गया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ही सवाल उठे थे, लेकिन कांग्रेस महासचिव की तरफ से ये कहना अब नए सवाल खड़े कर रहा है। बस 2 दिन बीते हैं, बीजेपी ने अपने निर्माता नेताओं की व्यवस्था उनकी अवस्था के हिसाब से कर दी। मार्गदर्शक मंडल बनाया और उसमें आडवाणी जोशी को बिठाया, अटल भी उसमें बिठाए गए, पर उनका होना न होना तो बराबर है। अब कांग्रेस ने भी उम्र के हिसाब से जिम्मेदारी देने की वकालत कर दी है। 69 साल के जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि 70 साल के बाद सक्रिय पदों पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तर्क तो खूब दिए। उन्होंने कहा, जैसे परिवार में सारी सत्ता बड़े बुजुर्गों के हाथ में रहने से परिवार की शांति चली जाती है, वैसे ही राजनीति में भी सारी सत्ता बुजुर्गों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जनार्दन द्विवेदी ने उम्र का प्रश्न बीजेपी से प्रेरणा लेकर उठाया या ये समय की मांग है, कहना मुश्किल है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के कर्णधारों में बूढ़े बुजुर्गों की पूरी कतार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 68 साल की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र 82 साल है। एके एंटनी 74 साल के हैं। मोतीलाल वोरा की उम्र 85 साल है। करण सिंह 83 साल के हैं। माखनलाल पोदेदार की उम्र 86 साल है। मुरली देवड़ा 77 साल के हैं। मोहसिना किदवई 82 की हैं। एसएम कृष्णा भी 82 के हैं और शीला दीक्षित की उम्र है 76 साल। मुख्यमंत्री ओमन चांडी 71 के हैं, जबकि वीरभद्र सिंह 80 साल के हैं। ऐसे में युवा शक्ति की बात कैसे आगे बढ़े? उम्रदराज नेताओं की सूची और बड़ी है। जिन्होंने 2 दिन पहले ही आडवाणी और जोशी को वनवास आश्रम पर भेजा है, वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का पुराना संस्कार है। कांग्रेस तो हरदम बुजुर्गों का अपमान करती रही है और वरिष्ठ नेताओं का, नरसिम्हा राव जी का, सीताराम केसरी का क्या हाल कांग्रेस ने किया वो हमें याद है। और आज बीजेपी युवाओं को मौका दे रही है। मोदी कहते हैं भारत युवा शक्ति संपन्न देश है। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी कहते ही रह गए कि युवाओं के सहारे देश का निर्माण हो सकता है। देश का निर्माण तो दूर, उनकी अपनी राजनीति काम ना आ सकी। अब कांग्रेस पार्टी का ही एक बुजुर्ग नेता ये कहने को मजबूर हो गया है कि सबसे बूढ़ी पार्टी को कुछ तेज तर्रार युवाओं की जरूरत है। मौसमी सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।